पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव जीतते ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पप्पू यादव को इस बार चुनावी मैदान में डटे रहने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पप्पू यादव को कांग्रेस से जिस सीट की उम्मीद थी वो सीट उन्हें मिली नहीं, राजद ने वो सीट अपने पास रख ली। फिर भी पप्पू यादव डटे रहे, अड़े रहे और पूर्णिया से चुनाव लड़ा और जीत भी गए, जिसके बाद से पप्पू यादव का ऑपरेशन पूर्णिया शुरू हो गया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें पप्पू यादव अचानक एक अस्पताल में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, अचानक पहुंच जाते हैं और वहां का औचक निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पप्पू यादव वहां जो मरीज मौजूद हैं, वहां जो मरीजों के परिजन मौजूद हैं उनसे बात करते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था है, डॉक्टर अपना काम ठीक से करते हैं या नहीं, अस्पताल में दवाइयाँ मिलती है या नहीं, ये तमाम सवाल पूछते नजर आ रहे थे मरीजों के परिजनों से। पप्पू यादव पूरा जायजा लेते नजर आए। जिस अस्पताल की आप तस्वीर देख रहे हैं, पूर्णिया के जीएमसीएच अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। अचानक देर रात पप्पू यादव इस अस्पताल में छापा मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और वहां के लोग अचानक से पप्पू यादव को देखकर थोड़ा हक्का बक्का भी रह जाते हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि देर रात अचानक पप्पू यादव वहां पहुंच जाएंगे और केवल मरीजों और उनके परिजनों से ही नहीं बल्कि डॉक्टरों से भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव पूरा जायजा लेते नजर आ रहे हैं, अस्पताल में काम किस तरीके से हो रहा है, मरीजों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, मरीजों को क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, हमने आपको थोड़ी देर पहले वो खबर भी दिखाई थी जिसमें पप्पू यादव का जो सम्मान समारोह हुआ था, स्वागत समारोह हुआ था, उसमें पप्पू यादव चेतावनी देते भी नजर आए थे। जो अस्पताल, जो डॉक्टर माफिया बने हुए हैं वहां पर, उनको खुले मंच से चेतावनी दी थी पप्पू यादव ने कि किसी भी तरीके का जो अन्याय है, किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है वो जनता स्वीकार नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी, और अगर कोई इस तरीके की गड़बड़ करता है, कोई अधिकारी गड़बड़ी करते पाया जाता है तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खुली धमकी देते हुए पप्पू यादव ने यह भी कह दिया था कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो पटना में बैठे सीएम भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, ऐसा बड़ा दावा करते नजर आए थे पप्पू यादव। और देर रात जेएमसीएच अस्पताल में ऑपरेशन पूर्णिया पप्पू यादव का शुरू हो जाता है, अचानक छापा मार देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, जायजा लेते हैं, मरीजों से, परिजनों से सबसे बातचीत करके अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते नजर आए हैं पप्पू यादव। आपको एक बार फिर बता दें, पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार थे पप्पू यादव, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं साथ नहीं मिला था, फिर भी चुनाव जीत कर आए हैं पप्पू यादव और चुनाव जीतते ही किस तरीके से उनका ऑपरेशन पूर्णिया शुरू हो गया है ये हमने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।